जय हिंद प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी ज्वाइनिंग है एयरफोर्स अग्निवीर की, तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन है, सर वहां पर क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या हमें नीड है, जो वहां पर हमें जरूरी चीजें वहां पर चाहिए। अब देखो बेटा, मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो आप अपने साथ जरूर लेकर जाए। पहले अपने 10वीं 12वीं के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके या पासिंग सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, साथ में 5-5 कॉपी आप उनके प्रिंट आउट भी निकलवा लेना, वो भी लेके जाना। और एक अपने मम्मी पापा की संयुक्त फोटो, यानी कि पासपोर्ट साइज ही आपको फोटो लेनी है जिसमें मम्मी पापा दोनों की फोटो हो, तो आपको लगभग लगभग 6 फोटो वो भी लेकर जानी है। और इसके बाद आपको वहां पर आपका जैसे खाता वगैरह वहीं पर खुलेगा, बैंक अकाउंट वहीं पर आपको ओपन कराया जाएगा, तो उसके लिए आप अपनी 15 से 16 रंगीन फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो भी आप लेकर चले जाना। और वो तो और भी जगह आपको जरूरत पड़ती है, तो 20 के आसपास टोटल आप लेकर चले जाना। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कुछ डेली यूजेज के सामान है, जैसे आप अपने इनर वियर वगैरह, जैसे बनियान वगैरह या अंडरवियर हो गया, उसके साथ अपना जैसे रुमाल वगैरह हो गया, अपनी स्लीपर्स हो गई चप्पल, और इसके साथ आपका जो है शूज हो गए, जो स्पोर्ट्स शूज वगैरह है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप 2 जोड़ी फॉर्मल ड्रेस अपनी लेके जा सकते हो, वैसे तो वहां जरूरत नहीं पड़ती फॉर्मल की, वहां पे जाते ही आपको मिल जाएगी, लेकिन 1 जोड़ी पहन के जाओगे आप और 1 जोड़ी अपनी और ले लेना फॉर्मल ड्रेस, और अपना कोई लोअर और एक अपर ले सकते हो, या लोअर टी शर्ट ले सकते हो, नॉर्मल 1 जोड़ी वो लेके जा सकते हो। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको वहां पर नीड पड़ेगी, तो ये लेकर आपको जाना है। बाकी थोड़ा कुछ पैसे आप अपने खर्चे के लिए 10-12 हजार रुपए शुरू में लेके चले जाना, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट डे जाते ही आपको सैलरी मिलेगी, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये चीजें बेसिक आपको लेके जानी है बस, बाकी थोड़ा बहुत जैसे बाल्टी हो गया, मग हो गया, ये थोड़ी बहुत डेली यूजेज की चीजें तो वहां से आपको मिली जाएगी, वो तो आप वहीं से खरीद सकते हो। तो ये चीजें आपको बेसिक लेके जानी है, तो कोई घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर जब आपका आएगा तो उस पे भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे क्या क्या लेके जाना है, तो वहां पे भी आप वो चीजें पढ़ सकते हो। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। और एक अच्छी खबर भी है, अग्निवीर की चर्चा आजकल बहुत चली हुई है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अभी जो ये अग्निवीर है ये डायरेक्ट परमानेंट ही हो जाए। अभी आपको लग रहा है 4 साल की है, लेकिन सारे के सारे परमानेंट हो जाए, तो ये होने की बहुत संभावना है। तो बिल्कुल एक अच्छे मनोबल के साथ जाओ और कोई नेगेटिव चीजें साथ लेके नहीं जानी है, आने वाले टाइम में अच्छा ही अच्छा आपके साथ होगा, ये सभी को लग रहा है, देश को लग रहा है, हमें भी लग रहा है, यही जानकारी देनी थी। जय हिंद, जय भारत।